मैं अमन खान आपके अपने चैनल GVEL में वेलकम करता हूँ। ख़ास आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास की पोएम माई हेवन का सेंट्रल आइडिया आसान लैंग्वेज में। सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पोएम माई हेवन का सेंट्रल आइडिया आसान लैंग्वेज में हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ। माई हेवन इज़ एन इंस्पिरेटिव पोएम ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर। माई हेवन रविंद्रनाथ टैगोर की एक इंस्पिरेटिव पोएम है। द पोएट प्रेजेंट बिफोर अस एन आइडियल पिक्चर ऑफ इंडिया। पोएट हमारे सामने एक आइडियल इंडिया की पिक्चर पेश करता है। ही होप्स दैट हिज कंट्री शुड बी प्रोग्रेसिव। वो उम्मीद करता है कि उसका कंट्री प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इंटू क्रीड कास्ट एंड लैंग्वेज। ये क्रीड कास्ट और लैंग्वेज में डिवाइड नहीं होना चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री। नॉलेज फ्री होना चाहिए। पीपल शुड ट्राई फॉर परफेक्शन। लोगों को परफेक्शन के लिए कोशिश करना चाहिए। नॉलेज शुड नॉट लॉस इंटू ओल्ड ट्रेडिशन। नॉलेज पुराने रीति रिवाजों में नहीं खोना चाहिए। दिस इज़ द होप ऑफ द पोएट फॉर हिज कंट्री। ये पोएट की उम्मीद है अपने देश के लिए। माई हेवन इज एन इंस्पिरेटिव पोएम ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर। द पोएट प्रजेंट्स बिफोर अस एन आइडियल पिक्चर ऑफ इंडिया। He hopes that his country should be progressive. It should not be divided into creed, caste and language. Knowledge should be free. People should strive for perfection. Knowledge should not lose into old tradition. This is the hope of the poet for his country. ये था पोएम माई हेवन का सेंट्रल आइडिया। ऐसी ही किसी खास वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा।